सुबह का टाइम है, हर तरफ रोशनी है और पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज़ उन्हें रेंट पे लेके अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, ये एंजॉय करने की बहुत जबरदस्त जगह है। और कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनाई है इन्होंने सारी, ये हूँ, ये वेडिंग फोटोशूट्स के लिए बहुत बेस्ट है। छोटे छोटे कोनों में आपको आर्ट नजर आएगी। थोड़ी देर स्टूल पे बैठ के यहाँ का मौसम एंजॉय किया जाए। ये फैमिली पिकनिक टाइप एरिया है। Hi guys, welcome to our YouTube channel and welcome to another vlog. आज का दिन है हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का सबसे पहला दिन, तो आज हम सैन फ्रांसिस्को घूमेंगे और अपने साथ आपको भी घुमाएंगे, दिखाएंगे हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, सैन फ्रांसिस्को कैसा है, आपको हर चीज़ का अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू देंगे, अपनी सारी जर्नी दिखाएंगे और इन्जॉय करेंगे और इस अच्छी सी मोमेंट को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सो स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड, ओके। तो गाइस, अभी हम लोग अपने होटल के रूम से बाहर निकल आए हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, हर तरफ रोशनी है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये सारा एरिया। और हम वॉक करके जा रहे हैं पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ बिकॉज हमारा होटल बिल्कुल उसके पास पड़ता है और इस ठंडे से मौसम में हल्की हल्की धूप में वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है, तो उस वजह से भी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस, इसे पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे 1906 में अर्थक्वेक आने के बाद यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग्स दोबारा बनी थी, तो उसे एक तरह से दोबारा बनाया गया था बिल्डिंग स्ट्रक्चर को, और अच्छा शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि कितने अच्छे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिससे ये सिटी की वाइब और ज्यादा अच्छी क्रिएट हो, इसीलिए इसे पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स कहते हैं बिकॉज यहाँ पे इन्होंने अपनी आर्ट जितनी भी अच्छी करके दिखा सकते हैं बिल्डिंग की, वो इन्होंने दिखाई है। अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करके पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये जो बिल्डिंग है इसे पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स कहते हैं, ये वहाँ की एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर एक बहुत खूबसूरत सा एक एरिया खुल जाता है, बड़े बड़े से पिलर्स खुल जाते हैं जिन पे बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और उसके अलावा आप पार्क देख सकते हैं, अंदर आपको परिंदे भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ हम सड़क पर से वॉक करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आसपास लोगों के घर भी बने हुए हैं, तो उनको जिनके घर बिल्कुल इसके बाहर की तरफ बने हुए हैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू मिल जाता है देखने के लिए, और आप पार्क देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर सड़क के बिल्कुल साथ में इन्होंने स्कूटीज रखी हुई हैं कि आप उन्हें रेंट पर लेके अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह तो कर सकते हो, और जहाँ पे दूसरा स्टैंड आता है वहाँ पे आप इन्हें वापस छोड़ सकते हो। यहाँ पे जी एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना खूबसूरत सा यहाँ पे पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स जो है वो लिखा हुआ है, और सैन फ्रांसिस्को का ये एरिया है, और आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जॉगिंग करने आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे सिर्फ टूरिज्म की वजह से आ रहे हैं, कुछ कभी कभी आते हैं पिक्चर्स क्लिक करने आ रहे हैं, कुछ अपने कपल्स के साथ घूमने फिरने आ रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ अच्छा टाइम इंजॉय करने आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त सा एरिया है और काफ़ी अच्छी सी जगह है घूमने फिरने के लिए। और ये गाइस, मैं हूँ यहाँ पे इंजॉय करते हुए और एक बहुत ज़बरदस्ती वाइब लेते हुए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बिकॉज सुबह का टाइम है और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, मौसम बहुत अच्छा है स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया का, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, और इस टाइम पर ट्रैवल करना मेरे ख्याल से बेस्ट है जब इस तरह का मौसम हो कि हल्की सी धूप भी हो और हल्की सी ठंड भी हो। तो गाइस, पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स की खास बात यह है कि ये एक सर्कल की शक्ल में एक लूप सी बनी हुई है, आप एक साइड से चलना शुरू करते हो और वो एक सर्कल में आपको घुमाते घुमाते वापस उसी पॉइंट पे ले आता है जहां से आपने स्टार्ट किया था, लेकिन ये सर्कल इतना बड़ा है इसलिए आपको घूमते घूमते भी बहुत अच्छा लगता है और आप काफ़ी सारी चीज़ें देख लेते हो। काफ़ी अंदर इन्होंने नज़ारे अच्छे रखे हुए हैं, बीच में एक छोटी सी लेक बनाई हुई है जिसपे काफ़ी सारे परिंदे हैं, और मेरे ख्याल से सबसे ज़बरदस्त जो आप एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो सुबह के टाइम वो आप जॉगिंग कर सकते हो या फिर आप पिकनिक मनाने अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, बिकॉज इस तरह से लेक और इस सारा डेकोर ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आप देख सकते हो मेरे सामने ये कितने बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं जिसके एंड्स पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो बनाई हुई हैं, और उसके अलावा काफ़ी नफीस काम हुआ हुआ है। ये बिल्कुल मेरे सामने एक व्यू आ रहा है लेक का, और उसके दूसरी तरफ आप देख सकते हो वो लोगों के घर बने हुए हैं जहाँ से डायरेक्ट व्यू आ रहा है, काफ़ी महंगे घर हैं वो क्योंकि इस तरह के व्यू वाले घर बहुत महंगे बिकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी
सेकेंड एनिवर्सरी का ट्रिप है और उसमें सबसे पहली जगह जो हमने विजिट की है सैन फ्रांसिस्को में वो ये है पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। और मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन से बिकॉज मेरे ख्याल से कपल्स के लिए ये इंजॉय करने की बहुत ज़बरदस्त जगह है बिकॉज यहाँ पे बड़ा अच्छा एक व्यू आता है और बड़ी ज़बरदस्त सी वाइब आती है। आप सिर्फ यहाँ पे खड़े होके या बैठ के बहुत रिलैक्स कर सकते हो, सामने व्यूज़ बहुत प्यारे होते हैं और हवा भी बहुत प्यारी चलती है। और यहाँ से अब हम आगे जा रहे हैं और अपना सर्कल जो है उसको शुरू कर रहे हैं। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स को बेसिकली 1915 के अंदर बनाया गया था और कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनाई है इन्होंने सारी, ये फायर प्रूफ है और इसके अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको कोई फीस नहीं चाहिए। बाहर इसका कुछ नहीं है, ये फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी ट्रैवल करके जा सकता है, कोई फ़ी रिक्वायर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए। ये तकरीबन सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात 12 बजे तक ये खुला रहता है। पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स की जो सारी आर्ट है ये एंशिएंट रोम को डिपेक्ट करती है जिसमें हमें रोम के जो फीचर्स हैं वो सारे नज़र आते हैं, जो पुराना रोम था। आप देख सकते हैं कि एंड पे जो इन्होंने पुतले बनाए हुए हैं पिलर्स के या जो कुछ भी रखा हुआ है वो सब रोम, पुराना जो रोमन एम्पायर है या जो पुरानी रोम की बिल्डिंग्स हैं उन सब के साथ मैच करता है। तो बेसिकली इन्होंने एंशिएंट रोम अपनी आर्ट के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश की है। और ये जो जगह है पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स ये सबसे ज़्यादा विजिट की जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत एंशिएंट और हिस्टोरिक जगह तो है ही है लेकिन यहाँ पे लोग अपना जो वेडिंग फ़ोटोशूट है वो करवाने आते हैं। इस तरह का एरिया जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ ये वेडिंग फ़ोटोशूट्स के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पे इनका अपना एक एग्जीबिशन हॉल भी है जहाँ पे ये वगैरह करवाते हैं। पिलर्स क्रॉस करके यहाँ पे एक और बड़ा एरिया खुल जाता है। आपको मैंने बताया था कि लूप काफ़ी बड़ा है और आप देख सकते हैं कुछ लोग आगे से इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ हमारी तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। यूजुअली लोग वो गार्डन वाली साइड से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बिकॉज वो अट्रैक्ट ज़्यादा करती है, लेकिन आप कहीं से भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़े करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देख सकें यहाँ पे आर्ट कैसी है। जितना भी इन्होंने ये बनाया हुआ है ऊपर वो सब के अंदर कहीं ना कहीं बाउंड्रीज में या जगह छोटे छोटे कोनों में आपको आर्ट नज़र आएगी कि इन्होंने किस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है और किस तरह से डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। इसलिए जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर जो कारीगर की नफासत होती है वो उसके बनाने के तरीके में, अंदाज में, उसकी आर्ट में नज़र आती है और उसी चीज़ से वो बिल्डिंग या कोई एरिया मशहूर हो जाता है। और यहाँ से जी इसका पार्क का एरिया शुरू हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पास टूल्स बने हुए हैं और बतखें भी उड़ रही हैं और साथ घर भी बने हुए हैं। तो जो ये घर हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी एक्सपेंसिव है बिकॉज इनका व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ पे पार्क जो है वो काफ़ी मेनटेन्ड है। यहाँ पर बतखें भी छोड़ी हुई हैं और सामने से जो आप देख सकते हैं मेरे सामने इस टाइम पर एक माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर घर बने हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ से पूरे सैन फ्रांसिस्को का एक बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू आता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग सुबह के टाइम साइकिलिंग भी करते हैं और अगर कोई जगह पसंद आए तो वहाँ पे अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। ये स्पॉट बहुत ज़बरदस्त है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए और यहाँ से पूरा सैन फ्रांसिस्को का पीछे से एक व्यू भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने साइड पे कितने खूबसूरत अपने घर बनाए हुए हैं। घरों का कलर जो है वो आपस में इतना अच्छा कंट्रास्ट में जाता है कि एक बड़ी ज़बरदस्त सी वाइब क्रिएट हो जाती है। ये यहाँ के बड़े अच्छे और ज़बरदस्त नेबरहुड्स में काउंट होता है। सामने आप देख सकते हैं कि बतखें भी हैं और कुछ परिंदे भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक उनका अलहदा से अपना माहौल बना हुआ है बतखों का और आप अपना अलहदा इंजॉय करते हो। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप नेचर को बड़े करीब से देख सकते हो और इंजॉय भी कर सकते हो।
यहाँ पे आपको परिंदों की काफ़ी डिफरेंट वैरायटी नज़र आएगी, तो काफ़ी ज़बरदस्त सी जगह है। और ये हम लोग हैं, यहाँ का मौसम एंजॉय करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर स्टूल पे बैठ के यहाँ का मौसम एंजॉय किया जाए और थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। हम दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठना, बहुत ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी फैमिली पिकनिक टाइप एरिया है, लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आते हैं। अगर कभी किसी को अकेले अच्छा टाइम गुजारना है तो भी आके यहाँ पे बैठ सकता है। और सामने आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा फाउंटेन भी लगा हुआ है और दरख्त भी है, तो काफ़ी छांव वाली जगह भी अवेलेबल है। धूप पे बैठना चाह रहे हो वो भी अवेलेबल है, तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हो आप। इस जगह की एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पे हर 2 या 3 मिनट बाद परिंदे मिलके इकट्ठा झुंड बनाते हैं और एक सर्कल में ये जो है वो उड़ के दिखाते हैं, तो वो बड़ा प्यारा लगता है कि आपको हर 2 या 3 मिनट बाद इस तरह करके दिखाएंगे और फिर वापस जाके उसी जगह पे बैठ जाएंगे, तो काफ़ी इंजॉय करते हो आप और काफ़ी मज़ा आता है ये सारा देखने में। तो गाइस ये था पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स जो हमने आपको दिखाया, और हमारी सारी वीडियो आपने हमारे साथ देखी कि हमने कैसे एंजॉय किया, कैसे हमारी मोमेंट्स गुजरी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स को बताएं। ओके बाय, टेक केयर।